तो दोस्तों आज मैं मिलाना चाहता हूँ, ये संजय चौहान जी हैं और इनका मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है। और ये कंप्लीट कोर्स सीखने के बाद आज अपने घर जा रहे हैं और कल इनका सुबह 5 बजे ट्रेन है। हम लोगों ने ऑफिस में अभी 9-10 बजे हमारा मतलब सब ऑफिस ऑफ होता है और जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं फिलहाल 6-7 बजे तक तो क्लास करते ही हैं। 6-7 बजे स्टूडेंट लोग जाते हैं, अपना हॉस्टल में रुकते हैं, खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। बाकी पूरा दिन क्लास करते हैं सुबह 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक। तो आज मैं संजय चौहान जी से आपको मिलाना चाहता हूँ। उन्होंने ये बोला कि सर हमारा सर्टिफिकेट आज ही कर दीजिए क्योंकि कल 15 अगस्त है, लेकिन हम सुबह जाना पड़ेगा, मेरा 5 बजे का ट्रेन है। इनका मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। कितना दिन हो गया संजय तुमको? मुझे सर इन्होंने पूरा 2 महीने का पूरा कंप्लीट कोर्स कर लिया है और 45 दिन का कोर्स होता है। इन्होंने मेरे पास 15 दिन और रुके हैं क्योंकि जब ये सीखने के लिए मेरे पास आए थे तब इन्होंने बोला था कि सर मैं 15-20 दिन आपको और रुकूंगा और अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करके जाऊंगा। और आगे संजय जी यहाँ सीखने के बाद आगे का टारगेट क्या है, मतलब आगे क्या करने का प्लान क्या है? सर आगे जब सीखे है तो एक दुकान डाल के देखें। इससे पहले क्या करते थे तुम? इससे पहले तो फिलहाल कुछ नहीं करते थे, घर में रहते थे, घर का काफी बड़ी काम करते थे। अच्छा अच्छा हाँ। तो आपने कोर्स में पूरा सारा सब कुछ समझ में आ गया है? हाँ सर। अच्छा, कितना कितने देर क्लास करते थे पूरा दिन आप? 8 बजे से लेकर 6 बजे तक। 8 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो मोबाइल फोन में आप चालू मोबाइल फोन 2-4-5 मोबाइल फोन बनाए कि नहीं बनाए? अभी तो फिलहाल नहीं बनाए सर, अभी नहीं बनाए मोबाइल फोन। तो वहाँ पर असम में तुमको अगर मोबाइल फोन अगर बनाने को मिलेंगे तो आप बना सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं? जरूर बना सकते हैं सर, जरूर बना सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे पास जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग जब पूरा कंप्लीट कोर्स सीख लेते हैं तो उनके अंदर खुद इतना प्रैक्टिकल करते हैं और यहाँ पर मार्केट में इतने सारे मोबाइल फ़ोन बनते हुए देखते हैं या खुद उस मोबाइल फ़ोन को बनाते हैं तो उनका खुद इतना कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बूस्ट हो जाता है कि वो आज जा कर के यही बात बोलते हैं कि सर मैं कोई भी मोबाइल फ़ोन आएगा तो उस मोबाइल फ़ोन को बना सकता हूँ। और सर हमारा यही उद्देश्य है कि मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट के हाथ में, जो आज कल लोग बेरोजगार हैं, युवा लोग बेरोजगार हैं, अगर उनके हाथ में कोई स्किल आएगी तो मुझे नहीं लगता कि कभी नौकरी के लिए उनको मोहताज रहना पड़ेगा, नौकरी मांगने की नौबत आएगी अगर उसके हाथ में हुनर हो जाता तो। और कोई भी साधारण सा आदमी अगर इस मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को कोर्स को सीख लेता है तो कोर्स सीखने के बाद उसके लिए 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मोहताज वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस आदमी के हाथ में हुनर होता है उसको कभी काम मांगने की ज़रूरत नहीं होती, काम हमेशा उस आदमी को मांगने की ज़रूरत होती है जिसके हाथ में हुनर नहीं होता, बार बार यही कहता है कि हमको कोई काम मिल जाए या हमको कहीं 2 पैसे काम मिल जाए, कोई रोज़गार मिल जाए। लेकिन जिसके हाथ में हुनर होता है तो अपने काम करता है और काम करने के बाद ये बोलता है भैया इसका 200-500 रुपये लगेगा और इसका ठीक करने का इतना पैसा लगेगा। तो संजय जी मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष है और संजय जी आप मेरे माध्यम से जो यूट्यूब से लोग जो सीखने के लिए आते हैं या ख़ास तौर पर जो आसाम से सीखने आने वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा सा स्पेशली बोले कि मतलब वो यहाँ पर आकर के उनका रहने का सीखने का तरीका क्या है और कानपुर में कितना दूर है, कितना पास में है, कैसे आकर के सीख सकते हैं? आप अपना थोड़ा सफ़र बताइए कि मतलब आपने कितने दिन में कंप्लीट कोर्स किया और क्या क्या सारी चीज़ें सीखी। देखिए दोस्त, यहाँ पर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सर लोग भी बहुत अच्छे हैं और इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा से चलता है, क्लास भी एकदम कंटिन्यू होता है और इसमें यहाँ पर आने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यहाँ हॉस्टल में आराम से हर चीज़ का फैसिलिटी है और खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप लोग आइए निश्चिंत आके यहाँ पर अपना कोर्स करके जाइए। और यहाँ पर मार्केट मिलता है तो मार्केट में जितना भी सारा सामान होता है मोबाइल फ़ोन का सब मिल जाता है? हाँ सब मिलता है, A to Z मिलता है, A to Z सारा सामान मिलता है। दिल्ली की तरह है, दिल्ली की तरह पूरी बहुत बड़ी मार्केट है कि अगर किसी को कोई भी सामान चाहिए, कोई भी काम्बो चाहिए, कोई भी चार्जिंग कनेक्टर चाहिए या A से लेकर Z तक कोई भी पार्ट चाहिए, अगर कोई भी IC चाहिए तो भी मार्केट में सारा चीज़ उपलब्ध है। तो मार्केट में सीखने का फ़ायदा ये रहता है कि हम लोगों को आसानी रहती है क्योंकि भाई हम किसी भी चीज़ को तभी बना सकते हैं जब हमारे पास सामान हो, अगर हमारे पास सामान नहीं होगा तो उसको हमको बनाने में क्या रहेगी, दिक्कत आएगी। तो आप असम से रहने वाले हो कि असम में और भी कहीं जगह से? असम लंका। असम से हैं तो यहाँ से तुमको पहुँचने में कितना समय लगेगा? 36 घंटा लगेगा। 36 घंटे लगेगा। कौन सा ट्रेन है तुम्हारा? मेरा सुबह है त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस। त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस, वो तुमको सुबह कितने बजे मिलेगा? 5:15 बजे मिलेगा। 5:15 बजे मिलेगा। और वो कितने बजे पहुंचाएगा? 7 बजे, मुझे सुबह के टाइम में 7 बजे गुवाहाटी छोड़ देगा। गुवाहाटी छोड़ देगा? हाँ। फिर गुवाहाटी से दूसरा ट्रेन का टिकट है? गुवाहाटी से दूसरा ट्रेन का टिकट है। हाँ। तो वो कितना दूर पड़ता है? वहाँ से चार घंटा लगता है। तो चलिए संजय जी बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी विशेष हैं, आप सीख करके अच्छी तरीके से जाएँ, अपना कामयाबी पूर्वक अच्छे तरीके से काम करें
और हमारी कभी भी ज़िंदगी में कभी भी कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, कोई भी दिक्कत आए, तो आप एक नंबर पर फ़ोन करें और आपको हमेशा के लिए मदद मिलेगी। दूसरी बात क्या है कि अगर आपको कोई काम करने में परेशानी आ रही है, साल दो साल बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है, तो आपका अपना इंस्टीट्यूट है, आप एक दिन, दो दिन, चार दिन, पाँच दिन, दस दिन, हफ्ते भर के लिए आ सकते हैं और किसी चीज़ को दोबारा सीख करके जा सकते हैं। कभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अच्छी तरीके से सफल हों, अच्छी तरीके से काम करें, यही हमारी मेरे लिए, आप लोगों के लिए विशेष है। तो सर आप आइए, अपना सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर लीजिए। ये सर का सर्टिफिकेट है और पूरा कंप्लीट कोर्स करके जाने के बाद, और सबसे पहली बात होती है, जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं हम लोगों के साथ ही रहते हैं, बच्चे लोग एक साथ रहते हैं और जितने भी हम लोग जो सिखाने वाले हैं वो भी पूरा दिन साथ में रहते हैं, तो दो महीने के अंदर एक आपस में ऐसा एनवायरनमेंट जनरेट हो जाता है कि मतलब एक दिल से लगाव हो जाता है, कि जितने सारे बच्चे जब सीख कर जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि इतने दिन रहे, इतने दिन रहने के बाद जब सीख करके जाते हैं तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर, आदमी को तो सीख करके जाना ही पड़ता है ताकि उसको अपना आगे का भी काम करना और अपने आगे भविष्य को सिक्योर करना है। तो संजय जी कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छी तरीके से जाइए और जब घर पहुंच जाएगा तो आप फ़ोन कर दीजिएगा कि हम सर घर पहुंच गए हैं, और कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आए तो आप हेल्प के लिए जरूर, कोई परेशान मत होइएगा। ठीक है, ठीक है।